नमस्कार, आप देख रहे हैं देश ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ नेका भाटिया। एक शहर को अच्छा बनाने वाली सी कैसी खास बातें होती हैं जिससे इंसान वहां पे उस शहर में बसना चाहे, यही कि वो शहर काफ़ी डेवलप्ड हो या फिर जो भी इंसानों की ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो आसानी से उपलब्ध हो, जैसे कि पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, मंदिर, स्कूल या फिर ऐसी बहुत सारी ज़रूरतों की चीज़ें जो हमारे शहर में हो या नज़दीकी जगहों पर हो। हम लोग आमतौर पे यही चाहते हैं कि जो भी हमारे की ज़रूरतों की चीज़ें हैं या जो भी हमें कहीं जाना ना पड़े, बस हमारे घर के आसपास ही वो जगह हो। तो आज मैं आपको एक ऐसी बिल्डिंग से रूबरू कराऊंगी जहां ये सारी चीज़ें एक ही बिल्डिंग में मौजूद है। है ना काफ़ी शॉकिंग की बात? जी हाँ, क्योंकि एक ही बिल्डिंग में ये सारी चीज़ें होना बहुत ही इम्पॉसिबल है, लेकिन ये अमेरिका की एक ऐसी बिल्डिंग है जिससे मैं आज आपको रूबरू करा रही हूँ। इस बिल्डिंग में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ये अमेरिका के अलास्का का छोटा सा शहर है जो ये अपनी बसाहत के लिए काफ़ी फेमस है। इस बिल्डिंग का नाम बेगिज टावर है और इस बिल्डिंग को वर्टिकल टाउन भी कहा गया है। इस बिल्डिंग में कुल मिलाकर 14 माले हैं। इस बिल्डिंग में कुल मिलाकर 200 से ज़्यादा फैमिलीज रहती हैं और सिर्फ इस बिल्डिंग में लोग ही नहीं रहते, लोग के साथ साथ जो उनकी ज़रूरतों का सामान है या उनकी ज़रूरतों की चीज़ें हैं उसका भी इंतज़ाम किया गया है, जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल, पुलिस स्टेशन, स्टोर्स, किनारे की दुकान, लॉन्ड्री, ये सब इस बिल्डिंग में मौजूद है। इस बिल्डिंग में जो काम करने वाले वर्कर्स हैं वो भी इसी बिल्डिंग में रहते हैं और वर्कर्स के ऑनर यानी कि मालिक भी इसी बिल्डिंग में रहते हैं। इस इलाके का मौसम काफ़ी ख़राब रहता है, इसलिए लोग ज़्यादा बाहर आ जा नहीं सकते हैं। वर्टिकल टाउन पहुंचने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पहुंचने के लिए कोई भी सीधा रास्ता नहीं है, या तो पहाड़ियों पर सुरंग और या फिर सी रूट के रास्ते यूज़ किए जाते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। बाकी की सारी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए देश ऑनलाइन। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप अपडेट रहें हमारे नई वीडियो से।